सो फ्रेंड्स, हम लोग अभी निकल रहे हैं बेसिकली मामा के घर से और जा रहे हैं जो है कचौड़ी खाने के लिए। तो घंटा घर पे विनय जी की कचौड़ियाँ बहुत ज़बरदस्त होती हैं, ऐसा मुझे बताया गया है। तो अभी हम लोग भाई लोग निकल रहे हैं। चलिए भाई, किसके पीछे बैठूँ, बाइक के पीछे कि स्कूटी के पीछे, कहाँ बैठूँ? तो चलिए स्कूटी के पीछे हम लोग बैठ चुके हैं। चलिए भाई, सब लोग बढ़िया आगे। तो हम लोग जा रहे हैं विनय भाई की कचौड़ी खाने के लिए घंटा घर पे। तो ये है हमारे छोटे वाले भाई आमिर जी और पीछे आ रहे हैं अलरजा। तो ये घंटाघर की गली आ चुकी है और हम लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ। इससे बस आगे बढ़ते चले जाना है हमें। ये अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया बहुत ही पुराना क्लॉक टावर है। सो घंटाघर से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। तो बस चले ही जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे सुबह सुबह मिठाइयाँ बन रही हैं, आप देख सकते हैं हर जगह पे। अभी सुबह का सिर्फ 8 ही बजा है और आप देख सकते हैं कि भीड़ कितनी ज़्यादा है। पहुँचे कि नहीं पहुँचे भाई हम लोग विनय भाई की दुकान पे? तो ये वाली है, क्या नाम है इसका, खस्ता कचौरी। तो इसे साग के साथ खाई जाती है ये खस्ता कचौरी। तो 10 रुपए का एक पीस है ये खस्ता कचौरी। ये रायते वाली आलू की कचौरी है, रायते में डाल के खाई जाती है। ये भी 10-10 रुपीज का एक पीस है। तो हर चीज सिर्फ 10 रुपए में है और बिड़ई जो है वो 15 रुपीज की है। बहुत ज्यादा मजा आ गया, मतलब सिर्फ 200 रुपए के अंदर हम तीनों ने ना पेट भर के नाश्ता कर लिया, बहुत जबरदस्त। तो घंटाघर जो है, घंटाघर आप सामने देख सकते हैं बिल्कुल, उससे अंदर आके यहाँ पर है विनय भाई जहाँ पे लगाते हैं। मैं आपको सराउंडिंग एरिया दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग जान गए कि आपको किधर आना है अगर आपको बिड़ई कचौरी, खस्ता कचौरी और आलू कचौरी खानी है। तो ये एटा से मतलब जो रागरा रोड है उससे हम लोगों ने राइट टर्न लिया है। अभी हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं कुछ और चीज़ें ट्राई करने के लिए। देखते हैं हमारे भाई लोग हमें कहाँ ले चलते हैं। लोग को मैंने कह दिया कि भाई मुझे फेमस फेमस जगह दिखाओ, वहाँ पे जाके हम लोग चीज़ें ट्राई करेंगे। तो ये जो रोड है इसका नाम है रेलवे रोड इसका नाम है। तो ये पहुँच चुके हैं हम लोग सुदीप मिष्ठान भंडार पे। यहाँ पर मिलेंगी शायद हमारी मनपसंद चीज़ें, बन रही एकदम गरम गरम जलेबियाँ सुदीप मिष्ठान भंडार पे। लाओ भाई दे दो खाने के लिए यार। सही बात है, ये घाट में बड़ा पाव, ये घाट में चलो। भाई को देखिए मुंबई का कितना एक्सपीरियंस है, कह रहे हैं कि पूरी बंबई जो है वड़ा पाव पे जी रही है। सही बात है, एक हाथ में बैग एक हाथ में वड़ा पाव, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ सही सही सही, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ड्यूटी पे जाने के लिए। हाँ हाँ, 2 प्लेट है ना, तो उसमें 1 प्लेट है ना, आप खाने के लिए दे दीजिए और एक पार्सल दे दीजिए। तो ये निकल आ रही है हमारी एकदम गरम गरम खोलती हुई पूड़ियाँ। ये जलेबियाँ पड़ गई रस के अंदर, अब ये तैयार हैं पूरी तरीके से। लाइए, तो ये आ गए हमारा 1 प्लेट खाने वाली। अभी 1 प्लेट हम लोग पार्सल भी ले रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा गर्म है यार, टेस्ट में भी बहुत ही बेहतरीन है। ये यहाँ मिलती हैं सुदीप मिष्ठान भंडार, रेलवे रोड एटा, ओनली 30 रुपीज़ में। ये रायता भी है, अनलिमिटेड सब्ज़ी भी है जिसमें पनीर और आलू है और 2 पूड़ियाँ हैं, ओनली 30 रुपीज़। ये तीखा बाद में मीठा, भाई एक साथ दोनों चीज़ें नहीं। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया था कि एटा में मैं आपको सोन पापड़ी दिखाऊंगा कैसी होती है, तो ये सोन पापड़ी जो है, देखिए कितना घी है इसके अंदर। तो इन जनरल जो आप सोन पापड़ी खाते हैं कहीं भी, वो एकदम सूखी सूखी सी होती है और बचपन से आपने वही ज़्यादातर खाई होगी, हर जगह पे वही मिलती है। लेकिन इसमें घी देखिए आप खाली, इसका टेस्ट बहुत ही आला दर्जे का होता है, बहुत ही अव्वल होता है। ये मैंने घर पर ही मंगवा लिया, यहाँ पर बहुत ही पॉपुलर एक हैं बिट्टन लाल जैन, जो कि GT रोड एटा पे घंटा घर के पास में बेचते हैं। उनके यहाँ पे ऐसा पूरा देसी घी में बना हुआ सोन पापड़ी मिलती है और ये बहुत ही लजीज होती है, बहुत ही रसीली लगती है एकदम, मतलब मज़ा आ जाता है इसे खा के। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा।